नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। अमेरिका पर अटैक के मूड में है तानाशाह। जी हां, अमेरिका पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो अमेरिका ने खुद ही अपने सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया की वो धमकी जिसमें उसने अमेरिका को तबाह करने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर अमेरिका पर उत्तर कोरिया की मिसाइल के खतरे का साया है, और अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाया तो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। है हाहाकार, एक बार फिर हो सकती है वैसी ही विनाश लीला। एक बार फिर समंदर में उठ सकता है तबाही का तूफान। डूब सकते हैं बीसियों जंगी जहाज। जंग के साजो सामान का हो सकता है भारी नुकसान। महाजंग का शिकार हो सकती हैं हजारों जिंदगियां। अमेरिका के हवाई का पर्ल हार्बर एक बार फिर बन सकता है कब्रिस्तान। क्योंकि 75 साल बाद अब अमेरिका को एक बार फिर लग सकता है सबसे बड़ा झटका। एक बार फिर एक बड़ी जंग में झोंकी जा सकती है दुनिया। क्योंकि सन की तानाशाह के मूड का कोई भरोसा नहीं। अपनी सनक के चलते वो तानाशाह वही कर सकता है जो 1941 में जापान ने किया था, बल्कि जापानियों से दो कदम आगे बढ़ सकता है तानाशाह। अपनी ताकत की नुमाइश करने और अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए किम जोंग उन दुनिया को दिखा सकता है पर्ल हार्बर 2। क्योंकि अमेरिका पर अटैक के मूड में है तानाशाह। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का पर्ल हार्बर एक बार फिर निशाने पर है, और इस बार जापान नहीं उत्तर कोरिया पर्ल हार्बर पर हमला कर सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका के पर्ल हार्बर को उत्तर कोरिया निशाना बना ही दे? उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह की मंशा को देखते हुए कई सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं अमेरिका पर खतरा कितना बड़ा है, करते हैं इसकी पड़ताल। बेलगाम हो गया है सन की तानाशाह। अपने सनक में मदहोश हो गया है किम जोंग उन। अपने नापाक इरादों को परवान चढ़ाने के लिए हर जुगत में जुटा है उत्तर कोरिया का शासक। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को नाको चने चबवाने की मंशा पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है वो, और उसके जो इरादे हैं वो बेहद खतरनाक हैं।
पिछले दिनों अपने मिसाइल लॉन्च के बाद किम जोंग उन ने व्हाइट सूट पहनकर अपने जनरल्स के साथ जोरदार पार्टी की। इसमें जाहिर हो गया कि वो अब अपने इरादों को परवान चढ़ाने के लिए और आगे बढ़ना चाहता है। किम जोंग उन अब वही गलती करने की तैयारी में है जो 75-76 साल पहले जापान ने की थी। इस साल के शुरुआत से ही ये खबरें जोर पकड़ रही हैं कि किम जोंग उन न सिर्फ अमेरिका पर हमला करना चाहता है बल्कि वो अमेरिका के सबसे अहम नेवल बेस पर्ल हार्बर को ही निशाना बनाना चाहता है। और सभी जानते हैं कि पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने जो हमला किया था उसके बाद क्या हुआ था। तो फिर क्या वही विनाश लीला दोहराने की तैयारी में है उत्तर कोरिया? इस सवाल का जवाब भी मिलेगा, लेकिन आपको पहले बता दें कि पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए क्यों खास है। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। यहाँ अमेरिका के पैसिफिक नेवल हेडक्वार्टर भी हैं। यहाँ सैकड़ों जहाज और 1000 से ज्यादा विमान हमेशा रहते हैं। 380,000 अमेरिकी फौजियों का भी यहाँ अड्डा है। दिसंबर 1941 में जापानी हमले में यहाँ करीब 2,500 सैनिक मारे गए थे। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर अमेरिका के हवाई द्वीप से बेहद करीब स्थित है और हवाई द्वीप उत्तर कोरिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये अन्य अमेरिकी इलाकों के मुकाबले उत्तर कोरिया के सबसे ज्यादा करीब पड़ता है और अमेरिका का प्रमुख सामरिक केंद्र है। हवाई में अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट फैसिलिटी है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने हवाई में कई मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स के सफल परीक्षण किए हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका का हवाई द्वीप और उससे सटा पर्ल हार्बर उत्तर कोरिया के निशाने पर है क्योंकि उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया तो अमेरिका से अपना बैर मिटाने के लिए वो सीधा अमेरिका के उसी अड्डे पर हमला कर सकता है जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हो। और वो अड्डा तो बेशक हवाई का पर्ल हार्बर ही है जिसे तबाह करके अमेरिका की कमर तोड़ी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह की अमेरिका के पर्ल हार्बर को निशाना बनाने की मंशा अभी दूर की कौड़ी ही लग रही है क्योंकि पर्ल हार्बर उत्तर कोरिया से 4,600 मील दूर है और उत्तर कोरिया के पास अभी हद से हद 2,800 मील तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइल है जिसका सबसे करीबी निशाना पूर्वी एशिया में गुआम का अमेरिकी फौजी अड्डा ही हो सकता है। तो साफ है कि पर्ल हार्बर तक मार करने के लिए उत्तर कोरिया को अभी और मेहनत करनी होगी। वैसे जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया सबसे पहले अपने सबसे करीबी दक्षिण कोरिया को ही निशाना बनाना चाहेगा जहां 28,000 अमेरिकी सैनिकों का अड्डा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के दाएगू पर भी वो मिसाइल हमला कर सकता है जहां अमेरिका ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। वहीं जापान में ओकिनावा का अमेरिकी बेस भी उत्तर कोरिया के निशाने पर हो सकता है जहां 27,000 अमेरिकी सैनिक हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और जापानी इलाकों में स्थित कई और अमेरिकी अड्डों को भी उत्तर कोरिया से बेहद खतरा है। तो तानाशाह अटैक के मूड में है और अमेरिका के लिए किसी न किसी तरीके से खतरा बेहद बड़ा है। अब आपको बताते हैं अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका के पर्ल हार्बर और हवाई द्वीप पर मिसाइल हमला कर ही दिया तो क्या होगा, कैसे अपना बचाव करेगा अमेरिका। जाहिर है अमेरिका भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो उत्तर कोरिया की धमकी को हल्के में ले ले। वो भी अपनी तैयारी कर रहा है और किस तरह वो बचाव की तैयारी में जुटा है ये भी आपको दिखाते हैं। भले ही पर्ल हार्बर अभी उत्तर कोरिया की पहुंच से दूर है लेकिन अमेरिका सतर्क है और घबराया हुआ भी है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने हवाई में पर्ल हार्बर को निशाना बनाया था। डर है कि इस बार जंग छिड़ी तो उत्तर कोरिया पर्ल हार्बर पर परमाणु हमला कर सकता है। तो अमेरिका ने अब पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के स्टार वार्स प्लान की तर्ज पर उत्तर कोरिया से निपटने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया की ओर से खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अब ICBM इंटरसेप्टर के टेस्ट का ऐलान किया है ताकि उत्तर कोरिया की ओर से आ रही मिसाइल को बीच में ही मार गिराया जा सके। इस टेस्ट के तहत मार्शल आइलैंड से एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी और कैलिफोर्निया से इंटरसेप्टर छोड़ा जाएगा। ये पहला मौका है
जब अमेरिका आईसीबीएम को रोकने के लिए टेस्ट करने जा रहा है। इससे पहले 1999 से 2014 तक अमेरिका ऐसे इंटरसेप्टर के 17 टेस्ट कर चुका है। 2014 में ऐसा एक टेस्ट कामयाब रहा था, जबकि उसके बाद 3 टेस्ट नाकाम हो गए। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया की ओर से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवाई पहुंचकर तबाही मचाने में महज 20 से 25 मिनट लगेंगे। उत्तर कोरिया की मंशा को भांपते हुए अमेरिका के हवाई में सर्वाइवल प्लान का काम शुरू कर दिया गया है। अमेरिका ने हवाई में मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इलाके में इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर पानी और जरूरी सामानों की कमी न पड़े। यही नहीं, हमले की स्थिति में लोगों के छिपने के लिए भी बेहतर शेल्टर तैयार करने की जरूरत महसूस की गई है। साथ ही सार्वजनिक जगहों और स्कूलों जैसी जगहों पर सुरक्षा ड्रिल और लोगों को खतरे से बचाने के लिए जागरूक करने के इंतजाम किए जाएंगे। साफ बात है, अमेरिका किम जोंग उन के इरादों को हल्के में नहीं ले रहा और ये तय मान रहा है कि उत्तर कोरिया उस पर हमला करेगा ही करेगा, और ऐसा हुआ तो अमेरिका बचेगा कैसे, अब इसकी तैयारी हो रही है। हाल ही में एक बार फिर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। वजह है उत्तर कोरिया का एक और मिसाइल टेस्ट। भले ही उत्तर कोरिया की ताजा मिसाइल की ताकत उतनी नहीं है कि वो अमेरिका तक मार कर सके, लेकिन उत्तर कोरिया ने ये तो कह ही डाला है कि वो तब तक मिसाइल टेस्ट करता रहेगा जब तक अमेरिका उसकी जद में नहीं आ जाए। एक और मिसाइल टेस्ट, ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट। इस साल अब तक 8 मिसाइल टेस्ट। अमेरिका को बड़ा संदेश। जी हां, किम जोंग उन है कि मानता ही नहीं, क्योंकि किम जोंग उनको मिसाइल पसंद है। मिसाइल है किम जोंग के हाथ का खिलौना, जिसे देखकर किम चाहता है अमेरिका को धमकाना। अपने अड़ियल रवैये पर बरकरार है उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया को सबक सिखाने की तैयारी का दम भरते हैं, तो उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उनसे 2 कदम आगे बढ़कर अपनी नई नई मिसाइलों का टेस्ट करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सैकड़ों अरब डॉलर का सौदा करने और इस्लामी देशों के बीच अपनी छवि बदलने सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसी दौरान उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट कर सबको सकते में डाल दिया। ये नया मिसाइल टेस्ट 21 मई को फुकचांग इलाके के पास किया गया। उत्तर कोरिया के मुताबिक मिसाइल 560 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और उसने 500 किलोमीटर का सफर तय किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये मिसाइल जापान सागर में जा गिरी। इस मिसाइल को फुकुसांग 2 नाम दिया गया है। अपने नए मिसाइल टेस्ट से गदगद है किम जोंग उन। नई मिसाइल की कामयाबी का जश्न मना रहा है किम जोंग। उत्तर कोरिया ने अपनी ताजा तरीन मिसाइल टेस्ट को न सिर्फ कामयाब बताया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि ये मिसाइल फौजी इस्तेमाल के लिए तैयार है। और यही नहीं, बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने इन मिसाइलों को बड़े पैमाने पर बनाने का फरमान भी जारी कर दिया है। जाहिर है अमेरिका और उसके मित्र देश दक्षिण कोरिया के लिए उत्तर कोरिया का ये रवैया बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे, उत्तर कोरिया तो मिसाइल टेस्ट रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। फुकुसांग 2 मिसाइल का टेस्ट उत्तर कोरिया का इस साल का 8वां मिसाइल टेस्ट है। इससे ठीक पहले 14 मई को भी उत्तर कोरिया ने मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसका रेंज करीब 800 किलोमीटर था। उत्तर कोरिया ने 14 मई को इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का उत्तर प्योगान के कोसांग में टेस्ट किया, जो 700 किलोमीटर की यात्रा करके रूस के पास समुद्र में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया ने 29 अप्रैल को पकचांग इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जो नाकाम रहा था। भले ही 21 मई को टेस्ट किए गए मिसाइल की ताकत पहले की मिसाइलों के मुकाबले कम थी, लेकिन ये कतई नहीं माना जा सकता कि उत्तर कोरिया किसी भी रूप में कमजोर है, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को ठेंगा दिखाते हुए वो ऐसी मिसाइल टेस्ट करने का भी दावा कर चुका है
जो परमाणु हथियार ले जा सकती है। और किम जोंग उन तो अमेरिका को ये भी धमकी दे चुका है कि मौका पड़ा तो वह एटमी जंग से भी पीछे हटने वाला नहीं। आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उसके आसपास जंगी जहाज भेजकर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह एटमी हमलों का भी पलटवार करने की ताकत रखता है और जरूरत पड़ेगी तो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से वो परहेज नहीं करेगा। सवाल ये कि अमेरिका और उत्तर कोरिया, इन दोनों में जंग का आगाज करेगा कौन? अमेरिका तो संयुक्त राष्ट्र के जरिए एक बार फिर उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों के दायरे में बांधने की कोशिश में है और साथ ही अपनी कूटनीतिक चालों और ताकत की नुमाइश करके भी उसे घेरने की जुगत में है। जबकि किंग जोंग उन कब कौन सी चाल चलेगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं। इससे पहले 14 मई को भी किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट किया था, तभी ये साफ हो गया था कि अब अमेरिका इसका जवाब देगा। उसी टेस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज को कोरियाई समंदर में उतार दिया। जाहिर है किम के मिसाइल टेस्ट से इलाके में घमासान की हलचल तेज हो गई है। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन, जिसकी सनक से पूरी दुनिया हैरान है। अब तक तो किम जोंग उन केवल अपने पड़ोसियों दक्षिण कोरिया और जापान को ही धमकाता था, लेकिन अब उसने ले लिया है सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पंगा। वो ट्रंप जो अपने कड़े रवैये के लिए जाने जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अगर उबाल पर आ जाए तो वो कड़े से कड़ा फैसला लेने में भी पीछे नहीं रहते। एक तरफ सन की तानाशाह तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, ऐसे में दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी हो गई है। एक तरफ है किम का क्रोध और दूसरी तरफ है ट्रंप का गुस्सा। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। इस तनातनी के पीछे बड़ी वजह है अमेरिका का दक्षिण कोरिया से बढ़ता याराना। अमेरिका साउथ कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा पर सैन्य अभ्यास करता रहा है। उत्तर कोरिया को ये युद्ध अभ्यास अपने खिलाफ साजिश लगती है। इस अभ्यास को वो धमकी की तरह लेता है। उसने अमेरिका को कई बार चेतावनी भी दी है, लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका के बढ़ते दबाव का जवाब देने के लिए 14 मई को ही किम जोंग ने मीडियम रेंज की जमीन से जमीन पर मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण कर डाला। उत्तर कोरिया की इस नई मिसाइल का नाम वोसोंग 12 है। ये मिसाइल 4,500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ये उत्तर कोरिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर किम जोंग उन ने इस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, इस टेस्ट के बाद किम जोंग ने साफ कर दिया कि उसके निशाने पर अब सीधे सीधे अमेरिका है। अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे, अब वो सीधे सीधे हमारे निशाने पर है। अमेरिका छोटे छोटे देशों को धमकाता रहता है, इसीलिए हमें परमाणु हथियार बनाने की जरूरत पड़ी। साफ है कि उत्तर कोरिया का ये सनकी तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डरने वाला नहीं है। उसकी हथियारों की सनक भी रुकने वाली नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब इस टेस्ट के बाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का रास्ता भी किम जोंग उन ने साफ कर लिया है। जाहिर है किम जोंग उन के इस रवैये से डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है।
दुनिया के सबसे ताकतवर देश को अपनी नाफरमानी पसंद नहीं है। ऐसे में अब उसने भी अपना जंगी बेड़ा समंदर में उतार दिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल बेहद तेज है। दोनों देशों का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि जंग अब बेहद करीब है, क्योंकि ना तो किम जोंग उन किसी सूरत में मानने को तैयार है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया को बख्शने के मूड में है। उत्तर कोरिया को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। कई देश अमेरिका के साथ खड़े हैं तो कुछ उत्तर कोरिया के साथ भले ही खुलकर ना हो, लेकिन जंग के हालात में उसका साथ दे सकते हैं। ऐसे में विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। किम जोंग उन का क्रोध और ट्रंप का गुस्सा दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आया है।